मैंने आज अपनी गाड़ी के चारों टायर चेंज करवाए हैं और इसमें इस समय नाइट्रोजन गैस डल रही है, आप देख सकते हैं। इस टायर में भी डलनी है और इधर दोनों टायर में नाइट्रोजन गैस डल चुकी है। जेके के टायर डलवाए हैं मैंने, ये नाइट्रोजन गैस का ये है, क्योंकि गाड़ी हमारी बहुत चलती है। मेरे पूरा नॉर्थ इंडिया में ये गाड़ी अब तक 2 साल 1 महीने में 60,000 किलोमीटर चल चुकी है, और 60,000 किलोमीटर चलने के बाद पहली बार इसके टायर चेंज करवा रहा हूँ चारों में। और सभी टायर कंपनी वाले, टायर शॉपकीपर बहुत हैरान हो रहे हैं कि आपने 60,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। अपोलो के टायर थे पहले मेरे इस गाड़ी में लगे हुए, और अब जेके के टायर डलवाए हैं ये मैंने देहरादून से। देखते हैं ये कितना चलेंगे। और नाइट्रोजन गैस रेगुलर आप अपने गाड़ी के टायर चेक करवाते रहें, प्रेशर कम हवा में ना चलाएं, और बाकी कोई समस्या नहीं है, समय समय से इसके अलाइनमेंट कराते रहें। मैंने पिछले टायर भी जब आगे के टायर घिस गए थे तो पीछे के आगे लगवाए थे, केवल इतना किया था। 26/10/2020 को मैंने गाड़ी खरीदी थी, और आज आप देख रहे हैं 28 नवंबर, पूरा 2 साल 1 महीने मैंने गाड़ी चला के 60,160 किलोमीटर गाड़ी चली है, और पहली बार टायर चेंज करा रहा हूँ। सभी टायरों में नाइट्रोजन गैस पहले भी डलवाई हुई थी। मैं निर्मल रतनलाल वैद आपसे भी यही निवेदन करता हूँ कि आप भी जब गाड़ी अधिक चलानी हो तो नाइट्रोजन गैस ज़रूर डलवाएं। ये देखिए 37 जो मैंने टायरों में हवा डलवाई है नाइट्रोजन गैस, इसके बेनिफिट आप देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू करूँगा हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और हमारे रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, जिनके कारण से आज हमारे टायर 60,000 किलोमीटर चले हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सब भारतीयों के लिए, और टायर कंपनियां भी उतनी खुश तो नहीं होंगी। जो टायर पहले 30-35-40 हज़ार, आज से 30 साल पहले तो मुश्किल से 25,000 किलोमीटर चलते थे, अब ये गाड़ी की अलाइनमेंट होने जा रही है। टायर सारे डल चुके हैं, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट हो गई, अभी व्हील बैलेंसिंग के लिए गाड़ी जा रही है अंदर, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप गाड़ी का अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे तो गाड़ी भी अच्छे से चलेगी और टायर भी आपको ज़्यादा माइलेज देंगे। ये देखिए ये व्हील बैलेंसिंग की शुरुआत हो रही है। चारों टायर पे ये लगेंगे अभी। गाड़ी को आप अच्छे से टाइमली व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट कराएंगे तो गाड़ी टायर आपको ज़्यादा समय तक और अच्छी देर तक चलेंगे। बेलिनो है जी, देखिए अभी पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका है। पहले एक ज़माने में ये सब धागे से किया जाता था। सेंसर लगे हुए हैं इसमें,
व्हील बैलेंसिंग के क्या फायदे हैं एक बार आपको ये बता दें, रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, ऑफर ए स्मूदर राइड एट हाई स्पीड, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी ऑफ कार कंपोनेंट्स, ये व्हील बैलेंसिंग के बेनिफिट्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, अलाइनमेंट हो रही है ना, व्हील बैलेंसिंग के बेनिफिट आपको बताए, अब अलाइनमेंट के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। टायर को मूव करा के देख रहे हैं, ये स्टीयरिंग के साथ एक कंपोनेंट लगाया जाता है जिससे आप देख सकते हैं, ये स्टीयरिंग के साथ लगा है। लो जी, ये नीचे से टायर की अलाइनमेंट सेट की जाती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ कैसे वो अलाइनमेंट अंदर से टायर की जो ये सेटिंग करें, रीडिंग इसकी यहाँ ऊपर आ रही है, ये जो -15 हुआ है। हाँ आप बताओ कैसे अलाइनमेंट करते हैं और कैसे पता लगता है सही हो गई? 5-5 हो गई है और जो -15 है वो गड़बड़ है। अच्छा, अभी सभी सही हो गए। तो इस तरह से रिपोर्ट भी निकल आएगी व्हील बैलेंसिंग की। ये यहाँ से निकाल लिए गए हैं, गाड़ी के व्हील बैलेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं निर्मल रतनलाल वैद इस तरह से आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहूंगा, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।